हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिस एंड डेवलपमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। मिले सोनी डिजिटल मार्केटर। आज हम आ गए टुडेस कोर्स के लेसन 11 में। हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एड्स टू एप एंगेजमेंट इन ट्विटर एड्स, यानी कि ट्विटर एड्स में एप एंगेजमेंट के लिए एडवर्टाइजिंग कैसे बनाएं। आज इसी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। फर्स्टली हम बात करने वाले हैं कुछ की पॉइंट्स, और आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से जब हम ट्विटर एड्स चलाते हैं और एप पर हम जब भी एप की एडवर्टाइजिंग करते हैं या एप इंस्टॉलिंग करवाते हैं, तो यहाँ पे हमें फिर से वापस जो एंगेजमेंट करना होता है उन ऑडियंस को जो ऑलरेडी हमारे एप पर है या फिर जो हमारे एप पर आ चुके थे वर्ड, वो फिर से वापस चले गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम इजिली तरीके से उन्हें वापस एंगेजमेंट ला सकते हैं, उन्हें वापस यहाँ पे एक बढ़िया तरीके से अपनी एक एडवर्टाइजिंग के थ्रू लोगों को कम्प्लीटली एंगेजमेंट अपना बढ़ा सकते हैं। तो इसी के बारे में कम्प्लीट फुली प्रैक्टिकली हम बात करेंगे। फर्स्टली हम समझते हैं कि किस प्रकार से ट्विटर एड्स पर एडवर्टाइजिंग की जाती है। तो फर्स्टली आपको पता है कि ट्विटर एडवर्टाइजिंग के लिए आपको क्या डिटेलिंग फिल करनी होती है, और साथ ही साथ आपको अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करना होता है। तो आज का हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किस प्रकार से हम ट्विटर एडवर्टाइजिंग में एप की भी एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, जिससे कि इजिली तरीके से हमारे एप या हमारी कंपनीज के एप के बारे में ज्यादा लोगों को पता चले और कम्प्लीटली यहाँ पे एंगेजमेंट आने के साथ साथ एप इंस्टॉलिंग भी बढ़े। इसी के साथ हम क्लिक्स को देखेंगे। तो आपने अक्सर ट्विटर एडवर्टाइजमेंट की प्लेटफॉर्म को देखा होगा जो अलग अलग क्रिएटिव एक्शन के हिसाब से काम करती है, चाहे अगर बात करें फुल लैंडस्केप के हिसाब से या बहुत से लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं फुल में, और इसी के साथ भी बैनर्स या नेटिव्स। यहाँ पे हम कम्प्लीटली कस्टम क्रिएटिव आइडियाज के साथ साथ यहाँ पे हमें बैनर्स बनाने होते हैं, उस हिसाब से प्लेटफॉर्म जो है ऑडियंस के लिए काम कर पाता है। तो आपको चीज का ध्यान रखना होगा, जब भी आप ट्विटर एडवर्टाइजिंग करें तो आपको डिफरेंट डिफरेंट बैनर्स साइजेस के हिसाब से बनाना होता है। अगर फुल स्क्रीन लैंडस्केप की बात की जाए तो आपको 480 से लेके 320 तक का आपको यहाँ पे देखना होता है रेशो। अगर इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सिंपल वे में अगर सामने फ्रंट मोबाइल पे काम कर रहे हैं या फुल तरीके से, तो आपको 320 से लेके 480 तक का यहाँ पे आपको बैनर्स क्रिएट करना होता है। इसी के साथ बैनर जो होता है 320 से लेके 50 तक का होता है। फिर से मल्टीपल जो आता है वो नेटिव में आता है, तो ये कस्टम क्रिएटिव्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम बढ़िया तरीके से कोई भी एडवर्टाइजिंग करें तो हमारे लिए वो जाना जरूरी हो जाता है। अब चलिए आप बात करोगे कि यार ये आखिर में एप एंगेजमेंट दिखता कैसा है या होता कैसा है, तो सिंपल वे में आपको यहाँ पे मैंने डेमो के हिसाब से बताया कि अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो आपका एड का नेम भी आएगा, बट क्या होता है कि स्पॉन्सर कर रहे हैं कंपनी द्वारा, और यहाँ पे कंपनी बताती कि हम आपको मिस कर रहे हैं, आपने हमारा एप चेक नहीं किया अभी तक, हमारे बहुत नए नए फीचर्स लिए आए हम इस एप में और आपको कम्प्लीटली बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे आपको कंपनी का नेम भी मिल जाएगा, देन इसी के साथ प्रमोटेड भी लिखा रहेगा, स्पॉन्सर लिया जाएगा जिस कंपनी के थ्रू यहाँ पे स्पॉन्सरशिप हो रही है, और यहाँ पे डायरेक्टली ओपन एप हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि एप एंगेजमेंट हो रहा है, यानी कि जिन लोग पास ऑलरेडी आपके एप इंस्टॉल है बट वो लोग एप ओपन ही नहीं कर रहे हैं या फिर किसी रीजन से नहीं कर पा रहे, तो आप वापिस में उन्हें क्या करवा रहे हो, रीएंगेजमेंट करवा रहे हो इजीली तरीके से, ताकि लोगों को ज्यादा लोगों को आपके एप के बारे में नए फीचर्स के बारे में लोगों को पता चले। तो ये एप रीएंगेजमेंट एज ए न्यू कंपनीज के लिए या फिर जो पुरानी कंपनीज हैं दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। तो चलिए इसी तरीके से यहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग भी देख सकते हो कि यहाँ की अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजिंग चलाई जाती है, जिसके थ्रू यहाँ पे प्रमोट किया जाता है कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में या फिर सर्विस की। अगर हम बात करें एप की रीएंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए भी ट्विटर एडवर्टाइजिंग का यूज किया जा रहा है, तो इसी के लिए हम यहाँ पे कंप्लीटली सेटिंग करेंगे और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एंगेजमेंट कैंपेन को चलाएंगे। तो फर्स्टली हम बात करेंगे हमें क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पे ट्विटर एडवर्टाइजिंग अकाउंट में लॉगिन होना होगा। देन इसी के साथ सेकंड स्टेप आएगी, अब जैसे ही हम यहाँ पे ट्विटर अकाउंट में लॉगिन होते हैं तो हमें क्रिएट कैंपेन में जाना होगा जो की एड्स मेजर में। हम जैसे एड्स मेजर में जाएंगे वहां पे कैंपेन क्रिएट करेंगे। कैंपेन क्रिएट करने के बाद हमेशा हमसे हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा एप रीएंगेजमेंट, यानी कि ऑलरेडी जो हमने एप की एडवर्टाइजिंग चलाई थी, एप इंस्टॉलिंग की एडवर्टाइजिंग चलाई थी, अब उसी के बारे में लोगों को कन्वर्सेशन करना है, कंसिडरेशन करना है, जिससे कि इजीली तरीके से रीएंगेजमेंट हमारा वापस आए, और साथ साथ फिर इसके बाद हमें पूरी डिटेलिंग करनी होती है और कैंपेन को पूरा सेटअप करना होता है। इसी के बाद हमारा कंप्लीटली यहाँ पे पूरा सेटअप हो जाता है इजीली तरीके से, और हम यहाँ पे इजीली तरीके से अपनी एप की रीएंगेजमेंट कैंपेन चला सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड, जैसे कि हम आ गए ट्विटर पे और यहाँ पे हम आईडी अपनी लॉगिन करते हैं, और देन आप देख पाओगे कि इस प्रकार से आप बिग स्क्रीन पर आपको यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं, जैसे होम, एक्सप्लोर, नोटिफिकेशन, मैसेज, बुकमार्क्स, लिस्ट, प्रोफाइल एंड देन मोर। तो हमें यहाँ पे टैप करना है मोर पे। जैसे हम मोर पे टैप करेंगे तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे टॉपिक्स, मूवमेंट्स, ट्विटर सर्कल्स, न्यूज लेटर, ट्विटर फॉर प्रोफेशनल्स,
ट्विटर एड्स एनालिटिकल्स। तो हमारा आज का टॉपिक यही है कि किस प्रकार से हम कम्प्लीटली ऐप की एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। जो ऑलरेडी हमने ऐप की एडवर्टाइजिंग चलाई थी, वहां पे हमारे बहुत से ऑडियंस भी आए थे, एंगेजमेंट भी हुआ था, बट कम्प्लीटली हम चाहते हैं कि जो ऑडियंस आए तो थे बट वो ऐप को इंस्टॉल नहीं कर रहे, उन्होंने फीचर्स का यूज नहीं कर पा रहे, तो हम यहाँ पे वापस ऐप की एंगेजमेंट एडवर्टाइजिंग चलाते हैं, वो भी ट्विटर पे। तो हम यहाँ पे इजिली कैसे चलाएंगे, तो उसके बारे में आज कम्प्लीट डिटेल में हम जानेंगे। तो फर्स्टली हम चलते हैं ट्विटर एड्स पे, और जैसे हम ट्विटर एड्स ओपन करेंगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे एड्स मेजर ओपन हो जाएगा। अब एड्स मेजर ओपन हो जाएगा तो एड्स मेजर जो है पूरी तरीके से डैशबोर्ड का काम करता है, और कम्प्लीटली आपके जितने भी कैंपेन आपने पास्ट में चलाए थे या जो भी कैंपेन आपके चल रहे हैं उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे कम्प्लीट डिटेलिंग बता देता है। और पूरे डिटेलिंग के साथ साथ आपको यहाँ पे एनालिटिकल्स मिल जाते हैं कि किस प्रकार से आपका कैंपेन साइज मिला है, कितने ऑडियंस आपके कैंपेन को देख के अट्रैक्टिव हुए, कितने लोगों ने आपके लिंक पे क्लिक्स कराए, कितनी तारीख को आपका कैंपेन स्टार्ट हुआ था, एंड का हुआ था, टोटल बजट, इम्प्रेशन, रीच, और कितना आपने पर इम्प्रेशन के हिसाब से स्पेंड किया, ये सभी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेलिंग यहाँ पे मिल जाती है। तो आप इजीली तरीके से रेशो निकाल पाते हो, रिजल्ट रेट आपको यहाँ पे मिल जाता है, कोस्ट पर रिजल्ट से लेके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एज ए डैशबोर्ड पर पूरी इन्फॉर्मेशन एज एनालिटिकल्स पे तौर पर दिख जाती है, और आप देख पाते हो कि आपने पास्ट में कौन कौन सी एडवर्टाइजिंग चलाई थी और किस तरह से चलाई थी। आप उन्हें इजीली तरीके से कंप्लीटली फुलफिल कर सकते हो और एक बढ़िया यहाँ पे एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर सकते हो। चलिए हम वापस चलते हैं हमारे क्रिएट कैंपेन पर, आज का हमारे टॉपिक पे, और कंप्लीटली हम समझते हैं आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फर्स्टली मैं आपको यही बताना चाहूंगा, जब भी आप एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करो, जो ट्विटर हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी नए नए प्लेटफॉर्म, अगर आप उन पे अपना एडवर्टाइजिंग चलाना चाहते हैं तो आपको अपना एक अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करना होता है कि आपका आज मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कैंपेन चलाने का। तो हमारा आज का मेन ऑब्जेक्टिव है ऐप की रिंगेजमेंट करना। तो आप कन्वर्सेशन में देख पा रहे होंगे ऐप की रिंगेजमेंट करना, और यहाँ पे बोला गया गेट पीपल टू टेक एक्शन इन योर ऐप, यानी कि लोगों को आपके ऐप पर एक्शन लाने के लिए ऐप रिंगेजमेंट का यूज किया जाना। तो जैसे कि इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अवेयरनेस रिलेटेड, रीच रिलेटेड हमने यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो बना लिए, आप जरूर से देखिएगा। इसी के साथ कंसीडरेशन यानी वीडियो व्यूज की हमने ऑलरेडी वीडियो आपको बता दी, और बताया है कि किस प्रकार से आप वीडियो व्यू की एडवर्टाइजिंग कल चला सकते हो ट्विटर पे। इसी के साथ हमने पेरोल व्यूज की एडवर्टाइजिंग आपको बताई, ऐप इंस्टॉल करने से लेके किस प्रकार से हम ऐप की बढ़िया तरीके से क्लिक्स लगा सकते हैं, इंप्रेशन बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। देन इसी के साथ वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में भी कंप्लीट बता चुका हूँ, किस प्रकार से अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ा सकते हो वो भी ट्विटर एडवर्टाइजिंग के थ्रू। इसी के साथ एंगेजमेंट, यानी कि ज्यादा ज्यादा लोग आपके ट्वीट से कितना एंगेजमेंट हो, ये भी मैंने कंप्लीटली आपको इस वीडियो आने वाली वीडियोस में बता चुका हूं, और इसी के साथ फॉलोअर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस में कवर किया है। अब आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो यही है कि ऐप रीएंगेजमेंट, आखिर में किस प्रकार से लोगों को हमारे ऐप पर एक्शन लाने के लिए हम ऐप रीएंगेजमेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर हमें यहाँ पे ट्विटर की हेल्प से मिल जाता है। तो चलिए हम इस पे क्लिक नेक्स्ट करते हैं और जानते हैं कि हमें क्या क्या डिटेलिंग यहाँ पे फिल करनी होगी और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जाती है। तो जैसे कि ऐप इंगेजमेंट की बात आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास आपका एक खुद का ऐप या आप जिसकी कंपनी की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं उसका ऐप होना चाहिए। देन इसी के बाद ही आप यहाँ पे कम्प्लीटली ऐप इंगेजमेंट ला सकते हो। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने चूज कर लिया ऐप इंगेजमेंट। इससे पहले हम चलते हैं डिटेलिंग और समझते हैं कि आखिर में क्या क्या चीजें जो है हमें जानना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें फिल करनी चाहिए। तो ऑलरेडी हमें कैंपेन नेम फिल करना होगा, और साथ ही साथ फंडिंग सोर्सेज भी हमें यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे कि मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, आप ट्विटर एड्स ओपन करना चाहते हो और यहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो, बट आपका एड्स मेजर जब तक ओपन नहीं होगा जब तक आप फंडिंग सोर्सेज इंक्लूड नहीं करोगे, जब तक आप फंडिंग सोर्सेज की डिटेलिंग फिल नहीं करोगे एज ए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, तो आपका एड्स मेजर भी ओपन नहीं होगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है एज ए रूल से ट्विटर का कि यहाँ पे आपको अपना फंडिंग सोर्सेज इंक्लूड करना होगा। देन इसी के बाद ही आप इजिली तरीके से एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ आप कंप्लीटली यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे हमें पूरा बजट यहाँ पे बता देता है कि हमारा कितना बजट बढ़ा है, कितना हमने बजट रखा हुआ है ट्विटर में, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें पूरी चीजें कितनी तारीख को हमने रन करा था, ये पूरी चीजें हमें प्रेजेंट में पूरी डिटेलिंग बता देता है। इसी के साथ हमें यहाँ पे मिलता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो चलिए इन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे। तो फर्स्टली हम चलते हैं वापिस ऊपर पे, और यहाँ पे हम कैंपेन डिटेलिंग फिल करते हैं। तो हमारा ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पे चूज कर लिया है वो ये है ऐप रिंगेजमेंट। हम चाहते हैं कि लोग हमारे ऐप पर ज्यादा एक्शन ले, तो हम यहाँ पे ऐप रिंगेजमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऐप इंस्टॉल करने की एडवर्टाइजिंग कर दी थी बट वहां पे बहुत सारे ऑडियंस आए थे, अब वो हमारे ऐप को ओपन नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमारी सर्विस नहीं ले पा रहे हैं, हम जो नए नए फीचर्स लेके आए, तो उसके बारे में कम्प्लीटली फिर से ऐप की रिंगेजमेंट करना चाहते हैं। जो ऑलरेडी हमारे ऑडियंस है वो आएंगे और डायरेक्टली वहां से एडवर्टाइजिंग से हमारा ऐप ओपन कर लेंगे। अब चलिए हम यहाँ पे कैंपेन नेम लिख देते हैं, जिससे कि इजीली तरीके से पता चल जाए कि आखिर में हम कैंपेन किस चीज के बारे में बना रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं
TMDA एप जी तो यहाँ पे हम इजीली तरीके से अपने ऐप का नेम मेंशन कर देते हैं, कैंपेन का, जिससे कि हमें कम्प्लीटली पता चला है कि आखिर में हमने किस लिए यहाँ पे एडवर्टाइजिंग की है। तो ऐसे डेमो में आपको यहाँ पे कम्प्लीटली स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी हमारा फंडिंग सोर्स इंक्लूड है, बट एक बार इसको इंक्लूड होने के बाद आपको बार बार इसमें जरूरत नहीं होती है, तो ये बेटर वे हमारे लिए यूज करने के साथ। अब यहाँ पे लिखा गया है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, अक्सर बात की जाती है अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म में भी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन आता है, तो आखिर में काम क्या करता है तो मैं आपको बता देता हूँ। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन जो है आपको एक कम बजट में ज्यादा रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि ट्विटर का एल्गोरिथम जो है अगर आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन करते हो तो आपको यहाँ पे एक बेटर वे में अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो चलिए हम इसको ऑन करते हैं और आप देख पाओगे यहाँ पे जब हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है डेली कैंपेन बजट का और एक आता है टोटल कैंपेन बजट का, ये ऑप्शनल में होता है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं डेली कैंपेन बजट का, तो यहाँ पे बोला जाता है कि आप डेली कितना अपना बजट के हिसाब से कैंपेन चलाना चाहते हो। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे डेली कैंपेन बजट में अपना लिख देता हूँ, मैं चाहता हूँ ओनली ऑन 35 USD के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हमेशा USD ही चलता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको इससे पहले मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि USD टू IND यानी कि इंडिया की मनी के हिसाब से कितना यहाँ पे हो रहा है, तो उस हिसाब से आप कंप्लीटली कर सकते हो चीजें को चेंजेस। इसी के साथ अब बात आती है टोटल कैंपेन बजट की, आप चाहते हो कि मेरा टोटल बजट इतना और यहाँ पे मैं एडवर्टाइजिंग करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे USD के हिसाब से अपने कम्प्लीटली डिटेलिंग फिल कर सकते हो। इसी के साथ चलिए एडवांस में यहाँ पे समझते हैं, दो चीजें पूछी जाती है, फर्स्ट होता है पैसिंग और एक होता है एक्सलेटेड, यानी पैसिंग आप किस प्रकार से करवाना चाहते हो, स्टैंडर्ड होता है, इसे रिकमेंडेड किया जाता है ट्विटर के एल्गोरिथम में बताते हैं। अगर आप कम्प्लीटली एडवांस में भी अगर चीजें करना चाहते हो, कम्प्लीटली पैसिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड रिकमेंडेड हो रहा है आप उसे क्लिक कीजिए। अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपके यहाँ पे कुछ चीजें चेंजेस करनी होती है, तो ये हमारे लिए स्टैंडर्ड जो है सबसे हेल्पफुल है। तो मैं आपसे ही कहना चाहूंगा एज ए बिगिनर्स आप तो स्टैंडर्ड करके देखिए और कम्प्लीटली इसको समझिए। हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम कम्प्लीटली समझेंगे, तो यहाँ पे बोला गया ऐड ग्रुप डिटेल्स, आप पूरी ग्रुप की ऐड की डिटेल डालिए, क्योंकि जितनी भी ऐप हम यहाँ पे जो भी ऐप की या फिर आप कम्प्लीटली एडवर्टाइजिंग चला रहे हो उसके बारे में डिटेलिंग यहाँ पे फिल करते हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत बेनिफिट्स मिल जाता है, इजी तरीके से हमें पता चल जाता है कि आखिर में हम किस चीज की या फिर कौन से ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे एक बढ़िया तरीके से एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। इसके थ्रू हमें कम्प्लीटली ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़ने का मौका मिलता है और कम्प्लीटली हम फिर से वापस अपनी रियल ऑडियंस यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपना एड ग्रुप नेम भी यहाँ पे लिख दिया है। अब बात आती है आप ऐप किस प्रकार से करना चाहते हो या फिर आप मेकश्योर करना चाहिए कन्वर्सेशन ट्रैकिंग आपको सेटअप करना होगा जब आप इसे प्रमोट करना चाहते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको ऐप इंस्टॉल में बताया था किस प्रकार से हम ऐप की कन्वर्सेशन ट्रैकिंग ऑन कर सकते हैं, चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगा। तो आप अगर चूज वन करते हो तो ऑलरेडी आप जो आपका ऐप है आप उसकी कन्वर्सेशन ट्रैकिंग करना चाहते हैं, क्रिएट ए न्यू। अब आप चाहते हो कि नहीं यार मेरा न्यू ऐप है या फिर मैं किसी और कंपनी का एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू कर सकते हो, ऐड ए न्यू ऐप जोड़ सकते हो या फिर एड योर फर्स्ट ऐप। तो यहाँ पे चलिए हम एड न्यू ऐप जोड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको बताना होता है कुछ डिटेलिंग, यहाँ पे ट्विटर पूछता है, तो यहाँ पे आपको करना होगा सिलेक्ट ए प्लेटफॉर्म फॉर योर ऐप, यानी कि आपका ऐप का प्लेटफॉर्म कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है, या वो आईफोन या आईपैड के लिए सिर्फ आईपैड के लिए, या फिर आप यहाँ पे सिर्फ एंड्रॉइड का ही ऐप यहाँ पे लाना चाह रहे हो। तो अगर हम एंड्रॉइड ऐप करेंगे तो यहाँ पे हमें गूगल प्ले का URL डालना होगा हमारे ऐप का, देन उसके बाद यहाँ पे पूरी डिटेलिंग हमारी सेव हो जाएगी और कम्प्लीटली सेव होने के बाद फिर हम वापस इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ऐप का नेम भी मेंशन होने लगेगा। तो ऑलरेडी चूज वन कर लेते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑलरेडी पहले वाला है उसी को कम्प्लीटली करते हैं। अब बात आती है इसमें और भी क्या क्या चीजें फीचर्स पूछे जाते हैं जब एड ग्रुप डिटेलिंग में, तो यहाँ पे देखिए हमने ऐप अपना यहाँ पे चूज कर लिया। बात आती है बजट एंड शेड्यूलिंग की, जब भी एडवर्टाइजिंग हम स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने बजट एंड शेड्यूलिंग के हिसाब से अपने एडवर्टाइजिंग को स्टार्ट करना होता है। इसके बाद डिलीवरी का ऑप्शन आता है, हमें पूछा जाता है कि आपका गोल क्या है, आखिर में ऐप क्लिक्स बढ़वाना है या फिर इंप्रेशन लाना है लोगों के सामने। देन इसके बाद आता है पे वे, आप किस लिए पे कर रहे हो, ऐप क्लिक कर रहे हो। फिर देन इसके साथ कम्प्लीटली हमें समझना होता है कि हमारे डेमोग्राफिक्स यानी कि जेंडर्स, एज, लोकेशंस, लैंग्वेजेस, फिर ओवरव्यू हमें यहाँ पे देना होता है डिवाइसेस का कि किस प्रकार से डिवाइस हम एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हैं, कौन कौन से मॉडल्स के मोबाइल फोन या फिर डिवाइसेस के थ्रू हम एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, कम्प्लीटली उन्हीं को फोकस करके करना चाहते हैं और साथ साथ ऑडियंस हमें यहाँ पे कलेक्ट करने का या फिर हम ऑडियंस को सिलेक्ट करने का हमें यहाँ पे मौका मिल जाता है। टारगेटिंग फीचर्स भी हमें यहाँ पे कम्प्लीटली मिल जाते हैं, सभी के बारे में फीचर्स को हम कम्प्लीटली फिल करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझते हैं बजट एंड शेड्यूलिंग को। इससे पहले हम ऑलरेडी हमने यहाँ पे कम्प्लीटली कर लिया, हमारे ग्रुप नेम यहाँ पे हमने लिख लिया, ऐप के बारे में हमने कन्वर्सेशन टेक्निक आपको बताई थी। अगर आप न्यू ऐप को यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं तो आप ऑलरेडी क्रिएट ए न्यू कर सकते हो, ऑलरेडी आपका चूज वन है तो आप चूज वन कीजिए।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं बजट एंड शेड्यूल का। हम चाहते हैं हमारी एडवर्टाइजिंग जो है 25 को हमने यहाँ पे कम्प्लीटली लगा दी है। यहाँ पे हम अपने हिसाब से टाइमिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम अपने हिसाब से टाइमिंग पूरी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसी के साथ अब एंड की बात आती है, तो आप सोचो यार एंड हमें नहीं लगाना है, तो आप अगर एंड करना चाहते हो तो आप एंड बटन का यूज कर सकते हो। तो आप चाहते हो कि हमें 25 से लेके, आप चाहते हो कि कम्प्लीटली मुझे एडवर्टाइजिंग जो करनी है 23 से लेके सिर्फ 30 तक की करनी है, तो आप यहाँ पे एंड के लिए भी बटन का यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो रन इनडिफिनेटली, अगर रन इनडिफिनेटली करते हो, अगर हमने ऑलरेडी कैंपेन बजट ऑर्गेनाइजेशन ऑन किया है, तो एड ग्रुप भी जो है रन इनडिफिनेटली काम करेगा। यानी कि कहने का मीन्स ये है कि आप कैंपेन बजट ऑन करते हो तो आपको कम से कम बजट में ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो ट्विटर का एल्गोरिथम जो है ना वो रन इंडेफिनेटली तरीके से काम करेगा जब तक आपका बजट होगा, जब तक एडवर्टाइजिंग चलेगी। तो ये होता है रन इंडेफिनेटली का काम। बट आप चाहते हो कि आपका ऑफर जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, या फिर आप जो एप्स पे नई सर्विसेज देना चाह रहे हो वो भी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो आप इसमें रन इंडेफिनेटली को हटा के यहाँ पे आप कंप्लीटली एंड बटन का यूज कर सकते हो। आप चाहे तो कंप्लीटली अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रन इंडेफिनेटली एंड बटन का यूज कर सकते हो। तो चलिए वापस हम रन इंडेफिनेटली कर देते हैं। देन इसका नीचे स्क्रॉल करते हैं, हम कंप्लीटली समझते हैं डिलीवरी में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे बोला गया है गोल, आपका गोल क्या है। तो हमारा मेन गोल यही है कि ऐप पे क्लिक्स आना, जितनी ऐप पे क्लिक्स आएंगे उतनी ज्यादा हमारे एंगेजमेंट बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे सर्विसेज के बारे में, न्यू फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब बात आती है बिड स्ट्रेटेजी की। आखिर में बिड स्ट्रेटेजी होती क्या है। बिड स्ट्रेटेजी मतलब एक बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजी लगाना है जो एडवर्टाइजिंग के लिए। तो यहाँ पे एक ऑटो बिड है जो रिकमेंडेड किए जा रहे हैं ट्विटर के एल्गोरिथम्स के हिसाब से, और यहाँ पे बोला गया है कि ऑटोमेटिकली मैक्सिमम योर रिजल्ट इन लोएस्ट प्राइस, यानी कि आपका ज्यादा रिजल्ट बढ़ाया जाएगा वो भी कम से कम प्राइस में। इसे बोला जाता है ऑटो बिड। अब बात करें कि आखिर में टारगेट कॉस्ट क्या होती है। तो चलिए टारगेट कॉस्ट में आपको सेट करना होता है कि आपके टारगेट कॉस्ट को सेट करना होता है कि आप किस प्रकार से एवरेज कॉस्ट पर एप क्लिप के हिसाब से आप यहाँ पे करना चाहोगे। अगर आप इस प्रकार की चीजें करते हैं तो आपको यहाँ कम्प्लीटली समझना हो कि आप $3.70 के हिसाब से एवरेज कॉस्ट पर एप क्लिक करना चाहते हैं, तो आपको इस हिसाब से अपनी बिड स्ट्रेटेजी लगानी होती है। और यहाँ पे बोला गया कि बिड का सजेशन भी दिया गया कि आप $2.60 से लेके $4.80 तक कम्प्लीटली अपनी टारगेट कॉस्ट यहाँ पे एवरेज कॉस्ट पर एप क्लिक्स पर लगा सकते हैं। यानी कि पर एप क्लिक्स पर आपको अपने इतने पैसे या फिर अपने इतने डॉलर्स यहाँ पे स्पेंड करने होते हैं। अब बात आती है ऑटोबिट की, तो ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड ऑप्शन होता है जो ट्विटर के एल्गोरिथम हमें प्रोवाइड करवाते हैं, और एक लोएस्ट प्राइस में हमें यहाँ पे मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाता है। चलिए हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, समझते हैं और क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ पे वे बोला गया है कि आप किस लिए पे कर रहे थे। हम ऑलरेडी लिंक ऐप की क्लिक्स के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। साथ साथ मेजरमेंट ऑप्शन होते हैं जो एक ऑप्शनल होते हैं, आप चाहें तो इनको फिल कर सकते हो, देने से आप छोड़ सकते हो। चलिए नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे जानेंगे डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स आज के ऐप में ऐप एंगेजमेंट बनाने के लिए बहुत जरूरी काम करता है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी हमने ऐप इंस्टॉल की एडवर्टाइजिंग चलाई थी और बहुत से लोगों ने ऐप भी इंस्टॉल करा था, बट हम चाहते हैं कि अब जो ऐप हमने इंस्टॉल करा था उस पर हमारे ऑडियंस नहीं आ रहे, हमारे न्यू फीचर्स का वो बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो हम वापस एडवर्टाइजिंग करते हैं ऐप की एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, डेमोग्राफिक्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा ऐप अगर जेंडर वाइज के हिसाब से मैन या वुमेन के हिसाब से, तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है मैन या वुमेन, और उस हिसाब से आप देख पाओगे हमारा ऑडियंस एस्टीमेट भी जो है चेंजेस होता रहेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने मेन पे करा है, तो 24.8 मिलियन से लेकर 27.4 मिलियन की हमें ऑडियंस एस्टीमेट मिलती है। अगर वहीं वुमेन की बात करें तो हमें यहाँ पे कम रेशो मिलता है और बोला जाता है 1.9 मिलियन से लेकर 2.1 मिलियन की हमें ऑडियंस एस्टीमेट मिलता है एज ए वुमेन में। अगर हम ए नहीं करते, हमारा ऐप जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ऐप जो है पूरी तरीके से कोई भी पर्सन यूज कर सकता है, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन यूज कर सकता है, तो इजिली तरीके से हमें यहाँ पे ऑडियंस मिल जाती है 26.8 मिलियन से लेकर 29.6 मिलियन। देन इसी के बाद हमारी ऑडियंस और भी चीज चेंजेस होती है, जैसे लोकेशंस, कीवर्ड्स, इन सभी चीजों से भी बहुत फर्क पड़ता है एज ऑडियंस एस्टीमेट में। तो चलिए हमने यहाँ पे एज भी कर ली कम्प्लीटली ऑल। हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर जो ऐप है वो पूरी जैसे ऑल एज ग्रुप के लिए। आप चाहे तो एज रेंज के हिसाब से यहाँ पे कम्प्लीटली चीजें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम एज रेंज लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 18 से लेके सिर्फ 34 तक के ही लोगों को हमारा ऐप इंस्टॉल ही करना है, उनके लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं या उन्हीं के लिए ऑफरिंग करवा रहे हैं, तो ये पूरी तरह से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ऑल लगा देता हूँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्क्रॉल करते हैं और समझते हैं। अब आती है लोकेशंस। लोकेशंस यहाँ पे ऑलरेडी हमने कंट्री लगा रखी इंडिया। अगर जैसे मैं यहाँ पे अपनी कंट्री इंडिया हटाऊंगा, तो आप देख पाओगे हमारा ऑडियंस एस्टीमेट जो है लोकेशन के हिसाब से ऑडियंस नहीं बता पा रहा है। तो यहाँ पे जब तक हमारी लोकेशन फिल नहीं होगी, जब तक यहाँ पे हमें ऑडियंस भी नहीं मिलेगी, तो आप इस तरह से लोकेशंस को भी कंप्लीटली फिल कर सकते हैं, जैसे सिटी नेम के हिसाब से, स्टेट नेम के हिसाब से, या फिर आप कंप्लीटली कंट्री वाइज के हिसाब से यहाँ पे कंप्लीटली एडवर्टाइजिंग क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए मैं हर बार तो
आपको स्टेट वाइज के हिसाब से बता देता हूँ, बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंट बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे कंट्री वाइज से। हमने यहाँ पे गए कंट्री इंडिया पे, हम चाहते हैं कि इंडिया कंट्री में एडवर्टाइजिंग चले, देश के साथ हम चाहते हैं कि हमारा ए पेज इंटरनेशनल लेवल पे हम ले जाना चाहते हैं, तो वहां पे भी लोगों को ज्यादा लोगों को दिखाई दे। तो हम किस किस ऐप को यहाँ पे कम्प्लीटली कौन कौन सी कंट्रीज को यहाँ पे चूज कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं जापान। एज ए डेमो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कम्प्लीटली। हम जैसे जापान करेंगे तो आप देख पाओगे हाँ ऑडियो एस्टिमेट जो है 90.5 मिलियन हो गया है, वो भी 100.1 मिलियन से। तो इस तरह से आप यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे चीजें जोड़ सकते हो। चलिए इसी के साथ मैं एक और देश का नाम लेता हूँ नेपाल। हम जैसे जैसे कंट्रीज को जोड़ेंगे या स्टेट को जोड़ेंगे उस हिसाब से हमारा ऑडियंस एस्टिमेट बनता है, क्योंकि जितने ज्यादा अलग अलग यूजर्स होंगे अलग अलग स्टेट या कंट्री या सिटीज में, उस हिसाब से हमारा ऑडियंस एस्टिमेट यहाँ पे बन के आता है। उससे हमें पता चलता है कि हम ऐप की व्यू एंगेजमेंट कितने ऑडियंस के बीच में रख रहे हैं और कितने लोगों तक हमारा कैंपेन चल पाएगा। इसी के साथ आप और भी कंट्रीज को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। अब बात आती है लैंग्वेज, जो ऑलरेडी ऑप्शनल में होता है क्योंकि बहुत सा गैप होता है लैंग्वेजेस के बीच में। तो कम्प्लीटली यहाँ पे हम बात करते हैं हिंदी, जो सबसे ज्यादा हिंदी को सुनना पसंद करते हैं या फिर हिंदी के बारे में कम्प्लीटली जानना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे हिंदी पे टिक कर देते हैं। देन इसी के साथ हम कम्प्लीटली चाहते हैं कि मोस्ट कॉमन लैंग्वेज जो है इंग्लिश, तो हम यहाँ पे इंग्लिश भी कर देते हैं। कम्प्लीटली यहाँ पे हम इंग्लिश भी टिक कर देते हैं। तो आप देख पाओगे हमारा ऑडियंस एस्टिमेट पहले से बहुत कम हो गया है। क्यों कम हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पे लैंग्वेजेस ऑप्शनल में लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे अब उन्हीं लोगों को एडवर्टाइजिंग दिखाई देगी जो हिंदी और इंग्लिश ही जानते हैं, बाकी अदर लैंग्वेजेस वालों को नहीं दिखाई देगी। बिकॉज क्योंकि वो नहीं समझ पाएंगे हम जो एडवर्टाइजिंग उन्हें दे रहे हैं या फिर हमारे जो एडवर्टाइजिंग के जो ऐप की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं उसमें जो फीचर्स है वो हिंदी इंग्लिश के लिए है और अदर लैंग्वेजेस को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे ऑडियंस एस्टिमेट भी है ना, उस हिसाब से यहाँ पे जो है चेंजेस होती रहती है। तो ये चीजें होती है जो हमें जानना बहुत जरूरी होता है जब हम एडवर्टाइजिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स की, वो है डिवाइसेस। हम एडवर्टाइजिंग सेटअप करना सीख गए, डिटेलिंग हमने यहाँ पे लगा लिए, कम्प्लीटली हम समझ गए कि हम ऐप क्यों इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्लिक्स बढ़ाने के लिए हम कम्प्लीटली कोई डिटेलिंग फिल कर रहे हैं। बात आती है कि ऐप की जो हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं वो किस किस डिवाइस पर करना पसंद करते हैं, या फिर ट्विटर एड्स के थ्रू भी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बढ़िया सर्विस हमें यहाँ पे मिलती है ट्विटर एड्स के थ्रू, और बोला जाता है कि अगर आप डिवाइसेस पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे iOS डिवाइस पे भी कम्प्लीटली पूरे एडवर्टाइजिंग सी आपके iOS डिवाइस पर ही चलेगी। बट आप चाहते नहीं एंड्रॉइड पर भी चले तो आप एंड्रॉइड पर क्लिक कर सकते हो, और साथ साथ आप चाहते हो कि अदर मोबाइल्स पर जो नए नए डिवाइसेस भी आ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ रहे हैं, उन पर भी हमारी एडवर्टाइजिंग दिखाई दे, और साथ साथ डेस्कटॉप पर भी कम्प्लीटली हमारी एडवर्टाइजिंग दिखाई दे। तो आप देख पाओगे उस हिसाब से हमारा ऑडियंस एस्टिमेट भी जो है चेंजेस होने लगा है। वो हो गया है 50.91 मिलियन से लेकर 55.4 मिलियन हो गया है। इसी तरीके से पूरी चीज चेंजेस होने लगती है। अब बात आती है कनेक्शंस की, तो यहाँ पे आप कनेक्शन किस प्रकार से देना चाहते हो, एनी या वाईफाई। तो यहाँ पे आप एनी करते हो कि जो लोग कनेक्शन यूज कर रहे हैं वो एनी, कोई से भी कनेक्शन यूज कर रहे हैं, आप डिवाइस मॉडल के हिसाब से भी कम्प्लीट एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, जैसे एप्पल फोन्स पे या फिर अलग अलग यहाँ पे आप कम्प्लीटली चीजों को समझ सकते हो। तो आपको यहाँ पे अलग अलग सर्विसेस आपको मिल जाएगी, वन प्लस, ओप्पो, फोटो, यहाँ पे आप कम्प्लीट देख पा रहे हो, रियलमी, ये पूरी चीजें आप कम्प्लीटली समझ सकते हो कि इस तरह से आप यहाँ पे अपना ऑडियंस सिलेक्टेड कर सकते हो एज ए डिवाइसेज जो लोग यूज कर रहे हो ट्विटर एडवर्टाइजिंग एज ए यहाँ पे चला रहे हैं। अब बात आती है कैरियर की, तो चलिए कैरियर क्या होता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कितने यूजर्स हैं। तो कैरियर में बोला गया टारगेट पीपल्स हु फर्स्ट यूज्ड ऑन एट न्यू डिवाइसेज और कैरियर, यानी कि आप कैरियर का मीन्स रियल मीनिंग यही बोला जा रहा है कि आप लोगों को टारगेट करना चाहते हो, उन लोगों जो ट्विटर पर नए यूजर्स आए हैं या न्यू डिवाइसेस आए हैं, आप उन्हें भी कम्प्लीट एज अपनी एडवर्टाइजिंग यहाँ पे दिखा सकते हो। तो जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं विथ इन द लास्ट, यानी कि जो लोग सबसे लास्ट में, यानी कि जो अभी ट्विटर पे अभी कभी से 1 महीने से पहले अभी नए आए हैं उनको हम कम्प्लीटली ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर मोर देन 1 मंथ हुआ जिनको सबसे ज्यादा 1 मंथ हो गए उन्हीं लोगों को एडवर्टाइजिंग दिखाना चाहते हैं। तो चलिए विथ इन लास्ट डे की हम बात करते हैं, और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि कम्प्लीटली उन्हीं लोगों को एडवर्टाइजिंग दिखाना जो 6 मंथ पहले भी यानी कि ट्विटर पर आए हैं और कम्प्लीटली नए डिवाइसेस आया है, उन लोगों को भी यहाँ पे हमारी एडवर्टाइजिंग शो होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ऑडियंस एस्टिमेट भी थोड़ा चेंजेस होने लगता है। अब बात आती है ऑडियंस की, अगर आप कस्टम ऑडियंस यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे वो फेसबुक की बात करें, वहां पे भी हमें इस प्रकार के ऑडियंस सिलेक्ट करने मिलते थे, इंक्लूड कर सकते हैं, हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, यानी हम इंक्लूड कर सकते हैं उन ऑडियंस को जिनको हम एडवर्टाइजिंग कम्प्लीटली सिखाना देना दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ऐप सिंपल सी अगर हम बात करें स्टूडेंट का या प्रोफेशनल्स का है, तो हम उन लोगों को कम्प्लीटली यहाँ पे फोकस करना चाहते हैं, तो उन्हें कोई कम्प्लीटली एडवर्टाइजिंग दिखाई देगी। तो ऐसे ऑप्शनल होता है, और हम चाहते हैं कि हमारा ऐप जो है वो कम्प्लीटली सभी लोगों को पता चले, इसे इन्फॉर्मेशन उन्हें मिले, तो यहाँ पे हम उसे छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप कम्प्लीटली समझ पा रहे हो, इंक्लूड कर सकते हो, ऐसे बहुत सी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए यहाँ पे मैं कम्प्लीट क्लिक कर देता हूँ इंक्लूड लोकलाइज ऑफ योर सिलेक्टेड कस्टम ऑडियंस, इन लोगों को करना है जो हमारी ऑलरेडी लोकलाइज में है और सिलेक्टेड कस्टम ऑडियंस जो हमने पहले भी सिलेक्टेड करी है।
अब बात आती है टारगेटिंग फीचर्स का, एज ए कीवर्ड्स यहाँ पे आप कंप्लीटली लगा सकते हो, चाहे स्टूडेंट, प्रोफेशनल्स, ग्रेजुएशन, या ऐसे बहुत से टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, बिजनेसमैन, इनको भी आप कंप्लीटली टारगेट कर सकते हो। फॉलोअर लोकलाइज, आप लोकलाइज के फॉलोअर्स को भी यहाँ पे कंप्लीटली करते हो, जो आपके फॉलोअर्स है उनको भी यहाँ पे आपकी एडवर्टाइजिंग दिखाई देगी। इंटरेस्टेड जो अलग अलग डिवाइसेस में इंटरेस्टेड है, गेमिंग, फूड, ब्यूटी की बात की जाए या फिर बिजनेस की बात की जाए, एजुकेशन, उन लोगों को भी आप कंप्लीटली यहाँ पे फोकसिंग कर सकते हो। एज ए डिफरेंट वे में बोला जाए तो एडवर्टाइजिंग चलाने के लिए आप लोगों को फोकसिंग एरिया यानी लोगों का सिलेक्ट कर सकते हो, जो लोग सबसे ज्यादा चीजें पसंद करते हैं। इस एग्जांपल में बात करूं, हमारा जो एप है वो एज ए सिंपल वे में एजुकेशनल का, और हम चाहते हैं कि जो एजुकेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मानते हैं, जो एजुकेशन को सबसे इंपॉर्टेंस में रखते हैं, उन लोग यहाँ पे एडवर्टाइजिंग दिखाई दे, तो वो सिंपल वे में फोकसिंग एरिया वहां पे बढ़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एजुकेशन कर भी लेता हूँ, तो अब आप देखोगे एजुकेशन में भी यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स पूछे गए, एडल्ट एजुकेशन, कॉलेज लाइफ, एजुकेशन न्यूज एंड जनरल इन्फो, या फिर ग्रेजुएट स्कूल, आप किस हिसाब से देना चाहते हो। मैं अगर चारों पे टिक करते हैं तो आप देखोगे कि धीरे धीरे हमारा ऑडियंस एस्टिमेट भी यहाँ पे बता रहा है, और एक ग्लोबल ऑडियंस आज ही हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब चलिए हमने यहाँ पे क्या करा है, चारों ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लिए, और भी ऑप्शन आप देख पाओगे यहाँ पे बोला गया है। तो ये क्या होता है कि इंटरेस्ट के हिसाब से आप अलग अलग लैंग्वेजेस लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, ये हमने यहाँ पे क्या करा है कि कम्प्लीटली इंटरेस्ट देख लिया है। अब हमने यहाँ पे ऑडियंस के इंटरेस्ट देख लिया, तो हिसाब से हमारा ऑडियंस की मेरे भी क्या हो गया, अब कम हो गया है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना होगा कम्प्लीटली, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इसी के साथ ही आप मूवीज एंड टीवी शोज कौन से उन लोगों को कम्प्लीटली करना चाहते हैं, इवेंट्स को या फिर कन्वर्सेशन टॉपिक्स को, तो ये एज ए ऑप्शन में होते हैं, आप चाहे तो इन्हें फिल कर सकते हैं, देन छोड़ भी सकते हो। अब बात आती है एडवर्टाइजिंग के प्लेसमेंट की। अब हमने पूरा सेटअप कर लिया, डेमोग्राफिक्स हमने सेट कर ली, यहाँ पे लोकेशन हमने सेट कर ली, और साथ हमने इंटरेस्ट भी सेट कर ली कि किस किस लोगों को एप हमारी एडवर्टाइजिंग दिखानी है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जाती है, वो है प्लेसमेंट। आखिर में प्लेसमेंट किस किस एरिया में करेंगे, जैसे ट्विटर के एडवर्टाइजिंग हम यहाँ पे कैंपेन चला रहे हैं, तो ट्विटर हमें 2 से 4 मौके देता है, यानी 2 से 4 प्लेसमेंट बताता है। तो जैसे यहाँ पे 3 प्लेसमेंट बताया है, होम टाइमलाइंस पे ऑलरेडी आपकी एडवर्टाइजिंग चलेगी, प्रोफाइल्स पर भी आपकी एडवर्टाइजिंग चलेगी, देन इसी साथ सर्च रिजल्ट में भी आपकी एडवर्टाइजिंग एज ए प्लेसमेंट पर शो होगी। तो इसी के साथ आप कंप्लीटली समझ पा रहे कि ट्विटर प्लेसमेंट किस प्रकार से प्रोवाइडिंग करवाता है सर्विसेज। अब बात आ रही है ट्विटर ऑडियंस प्लेटफॉर्म, आखिर में ट्विटर ऑडियंस प्लेटफॉर्म क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ पे बोले गए कि ट्विटर ऑडियंस आपकी जो प्लेटफॉर्म है वो हमने ऑन कर रखी है। यहाँ पे क्या हुआ कि ज्यादा ज्यादा ट्विटर के जितने प्लेटफॉर्म है उस पर जितने भी लोग आते हैं उन सभी को आपकी एडवर्टाइजिंग दिखाई देगी। अगर आप ऑफ कर देते हो तो ये फॉर्मेट जो दिख रहे हैं आपको नेटिव बैनर्स के सब ऑफ हो जाएंगे। तो अब चलिए मैंने ऑन कर देते हैं। अब ऑन कर देंगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे नेटिव बैनर, बैनर मीडियम रेक्टेंगल, जो मैंने आपको ऑलरेडी पीपीटी में बताई थी कि किस प्रकार से आपको अपने बैनर्स इंक्लूड करने होंगे। अगर आप नेटिव बैनर्स यहाँ पे बना रहे हो तो आपको उसका साइज भी पता होना चाहिए कम्प्लीटली। तो ये पूरी आपके ऐप के पब्लिशर्स ऐप पे डिपेंड करता है कि अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से या फिर अलग अलग प्लेसमेंट के हिसाब से आपकी एडवर्टाइजिंग होगी। तो नेटिव बैनर्स या मीडियम रेक्टेंगल, फुल स्क्रीन पोर्ट्रेट, इन सभी के हिसाब से आपको यहाँ पे एज ए अपने ऐप की जो फोटोज है या फिर जो पोस्ट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फॉर्मेट्स बनाने होते हैं। तो आप चाहें तो इसे ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर होते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ क्योंकि इसके लिए हमें अलग अलग यहाँ पे पोस्ट बनानी होती है, देन इसी के साथ से हम कम्प्लीटली एक बढ़िया तरीके से एडवर्टाइजिंग यहाँ पे कर सकते हैं। बट अगर अभी आप ऑन कर दोगे तो आपको इस हिसाब से बनाना होगा, देन इसी के साइजेस के हिसाब से बनाना होगा, जिसके लिए आपको थोड़ी मेहनत उधर भी एडिटिंग में करनी होती है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट हम चलते हैं और समझते हैं कि आखिर में और भी क्या क्या चीजें हमें एज इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। तब आप कम्प्लीटली देख पाओगे यहाँ पे जो है प्रीव्यू के पूरा डिटेलिंग यहाँ पे दी जाती है, एज ए इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो हमें अपना एड नेम यहाँ पे लिखना होता है, डेस्टिनेशन हमारा ऑलरेडी एप है, और इसी के साथ हम चलते हैं यहाँ पे। आप अगर एप के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ न्यू सर्विस देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इजिली तरीके से दे सकते हैं, और एवरीवन कैन रिप्लाई, आपको हर एक कोई भी रिप्लाई कर सकता है, क्योंकि आप एज एडवर्टाइजिंग कर रहे हो एप एंगेजमेंट की। अब यहाँ पे हम नीचे देखेंगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे सिंगल मीडिया का भी आप यूज कर सकते हैं, एक 1 फोटोज या 1 वीडियोज का। अगर आप चाहते हो कि क्राउजर में नहीं 2-3 फोटो और एक वीडियोज हो, तो आप क्राउजर का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा है कॉल टू एक्शन, आपका किस प्रकार से कॉल टू एक्शन लाना चाहते हो। हम चाहते हैं ओपन की बटन हो, यानी कि हमने हमारा ऐप की कैटेगरीज डाल दी, ऐप की लिंक्स भी डाल दी, अब यहाँ पे हम ओपन करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप कम्प्लीटली चीजें को यहाँ पे शो कर सकते हो और आप प्रीव्यू भी देख पाओगे। तो प्राइमरी ऐप से स्टोर भी आप लिख सकते हो, मीडिया से आपने ऑलरेडी चूज कर रखा है, तो इस तरह से आप देख पाओगे कि यहाँ पे कम्प्लीटली हमारा प्रीव्यू ओपन हो जाता है और पूरी चीजें जैसे टाइमलाइंस पे लेके, सर्च से लेके और प्रोफाइल से लेके यहाँ पे सभी चीजें यहाँ पे शो होने लगती है। अगर हम सर्च पे कराए तो हमारा यहाँ पे यूजर नेम के साथ हमें पूरी एडवर्टाइजिंग होगी, प्रोफाइल्स पे हम करेंगे तो कुछ चीजें यहाँ पे चेंजेस होने लगेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे पूरा प्रीव्यू शो होने लगता है।
देन इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और कम्प्लीटली रिव्यू एंड लॉन्च कैंपेन देख पाएंगे और यहाँ पे कम्प्लीटली हमें पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी। अब आप कहोगे कि हमने यहाँ पे भी अपनी एप की इंगेजमेंट लिंक नहीं लगाई है, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे वार्निंग मिल जाएगी, बताया कि आपको चूज करना होगा एप आपके एड ग्रुप्स को, देन यू नीड टू चूज एप ग्रुप डिस्प्ले क्रिएटिव्स आपने यूज नहीं किया है। तो इस तरह से आपने जैसे पूरी डिटेलिंग फिल कर ली है और कम्प्लीटली आप चाहें तो सेव डाउट भी कर सकते हैं और कम्प्लीटली अगर फिल भी करना है तो चलिए हम वापस चलते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि आखिर में हमारे अपने एड ग्रुप्स की डिटेलिंग हमने फिल नहीं करी। तो यहाँ पे हमें वार्निंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे बोला यू नीड टू चूज ऐप फ्रॉम द योर एड ग्रुप्स और यहाँ पे हमें ऐप चूज करना होता है। देन इसी के साथ ही अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में बताया था कि आप अगर ट्विटर ऑडियंस प्लेटफॉर्म ऑफ कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें जो है एग्री करनी होती है। तो यहाँ पे अगर आप नहीं समझ पाते हैं ट्विटर प्रोग्राम में चाहिए टर्म एंड कंडीशन को समझिए, तो चलिए जैसे हम यहाँ पे एडवर्टाइजिंग पूरे फॉर्मेट्स पे हम करते हैं एग्जाम्पल के लिए और यहाँ पे हमें पूरे फॉर्मेट्स को यहाँ पे फिल करना होता है। जैसे फॉर्मेट्स हमारे दिख रहे हैं नेटिव्स, बैनर्स, मीडियम रेक्टेंगल्स, फुल स्क्रीन पोर्ट्रेट और फुल स्क्रीन लैंडस्केप, इस हिसाब से हमें बैनर क्रिएट करने होते हैं। देन इसी के बाद अब सेटिंग आती है एट कैटेगरीज की, हमारा जो सेटिंग एट कैटेगरीज है वो किस कैटेगरीज का है, तो हम यहाँ पे एजुकेशनल लिख सकते हैं जिससे कि इजीली तरीके से हमारे एट कैटेगरीज के बारे में लोगों को पता चल सके और कम्प्लीटली वो यहाँ पे, तो चलिए हमने यहाँ पे एजुकेशन यहाँ पे कम्प्लीटली लिख लिया है। अब यहाँ पे वेबसाइट डोमेन हमें लगाना होता है अपने ऐप का। देन इसी के बाद अगर आप इंक्लूड नहीं करो और आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप वेबसाइट की या ऐप की लिंक्स लगाएं तो आपको हिटी या .com नहीं लगाना होता है, आपको ऑलरेडी डायरेक्ट सिर्फ नेम लिखना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे कम्प्लीटली अपनी ऐप की डिटेलिंग लिख देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे अपनी लिंक्स लगा दिया हमारे ऐप के इस एग्जांपल के लिए और एडवांस में अगर बात करें एडवांस में किस प्रकार से टारगेटिंग कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं ऐप के बारे में। यहाँ पे आप कम्प्लीटली यहाँ पे गूगल प्ले की आईडी यूज कर सकते हो जिससे कि सीक्रेट आईडीज के साथ आप यहाँ पे एक बढ़िया तरीके से जैसे ही लगाओगे तो इजिली तरीके से कोई भी पर्सन आपकी एडवर्टाइजिंग दिखेगा और जैसे भी क्लिक करेगा तो डायरेक्ट अगर उसके पास ऐप इंस्टॉल नहीं भी होगा तो वो और ऐप स्टोर पर जाएगा और देन उसे वहाँ पे इंस्टॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी के साथ डिस्प्ले क्रिएटिव्स की बात करें जो हमने फिल नहीं किया था जो ऑलरेडी ऑन है, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा डिस्प्ले क्रिएटिव अगर ऑन है तो हमें अपलोड करनी होती है डिस्प्ले क्रिएटिव में और कुछ कैंपेन ट्वीट्स यहाँ पे समझने होते हैं जो ज्यादा ज्यादा तरीके से लोगों के पास डिस्प्ले क्रिएटिव के साथ फॉलो किए जाते हैं ऑडियंस को, तो कम्प्लीटली अप्रूवल करना होता है प्लेसमेंट को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने डिटेल्स यहाँ पे बोला गया है कि यू नीड टू चूज एन ऐप फॉर योर एड ग्रुप्स, आपको यहाँ पे चूज करना होगा। तो ऐप का तो यहाँ पे हम साइजेस के हिसाब से कर सकते हैं कि साइज के हिसाब से हम बैनर्स बनाने होते हैं, मीडियम रेक्टेंगल, फुल स्क्रीन, बैनर्स। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आप इस प्रकार से बैनर्स क्रिएट करते हो या फिर आप कम्प्लीटली पोस्ट अगर बनाते हो एज ए रिपोस्ट इंगेजमेंट की, तो आपको इस तरह से यहाँ पे पूरी लैंडस्केप के हिसाब से या फिर अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि किस क्या चीजें जो है क्या साइज के हिसाब से आपको कम्प्लीटली मिलेगी। देन इसी के साथ यहाँ पे आप कम्प्लीटली देख पाओगे कि यहाँ पे अभी आपका ऐप यहाँ पे कम्प्लीटली नहीं आया, तो यहाँ पे बोल रहा है कि नथिंग टू सी हेयर्स, तो यहाँ पे पूरी चीज हमें फिल करनी होती है। देन इसी के साथ ही पूरी स्टेप होने वाला हमारा कम्प्लीटली ऐप जो है स्टार्ट हो जाता है। और एक और चीज जो मैं आपको कम्प्लीटली बता देना चाहता हूँ कि आपको अपना ऐप यहाँ पे चूज करना होता है जो ऑलरेडी मैंने आपको कन्वर्सेशन ट्रैकिंग में बताया था, जिससे क्या होता है कि इजिली तरीके से आप ट्रैकिंग भी कर पाते हो अपने ऐप के बारे में और यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू करना होता है। देन ये सब चीजें करने के बाद अब चलते हैं वापस रिव्यू एंड लॉन्च में और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि हमने कैंपेन डिटेलिंग ऑलरेडी पूरी फिल कर ली है, हमारे कैंपेन बजट ऑलरेडी ऑन कर रखा है हमने। अब बात आती है एड ग्रुप्स की, तो हमने पूरी डिटेलिंग यहाँ पे कर ली है और यहाँ पे हमें अपने ऐप को चूज करने के लिए एड ग्रुप्स में वापस जाना होता है जो ऐसे डेमो के हिसाब से मैंने छोड़ रखा है, आप इसे जरूर फिल करिएगा। देन इसी के साथ बजट एंड शेड्यूलिंग हमने ऑलरेडी कर रखा है, जो हमारा बजट एंड शेड्यूलिंग जो है इनडेफिनेटली है जब तक बजट रहेगा, जब तक हमारा एडवर्टाइजिंग यहाँ पे चलती रहेगी। देन इसी के साथ डिलीवरी हमने यहाँ पे कम्प्लीटली रखा है, गोल हमारा एक क्लिक्स का है और पे भी हम एक क्लिक्स के लिए ही कर रहे हैं। टारगेटिंग ऑडियंस हमने हमारा एस्टीमेट बना लिया है, वो है 23.2 मिलियन से लेकर 25.6 मिलियन तक। समरी की अगर बात करें तो जेंडर हमने नहीं रखा है, लैंग्वेजेस हमने दो रखी है, लोकेशन हमने तीन रखी है, प्लेटफॉर्म हमने चार रखे, इंटरेस्ट जो है वो हमने आठ रखे हैं। इसी के साथ आप टारगेट डिटेल्स भी देख सकते हो, प्लेसमेंट से लेकर अलग अलग सर्च डिटेल से लेकर और ट्विटर ऑडियंस प्लेटफॉर्म में हमने यस कर रखा है। तो आई होप कि आप कम्प्लीटली समझ पा रहे होंगे और कुछ डिटेलिंग जो आपको फिल करनी होगी, देन इसके बाद आप कम्प्लीटली अपनी एडवर्टाइजिंग यहाँ पे कर सकते हो, लॉन्च कैंपेन आपका जो है वो ऑलरेडी फिर यहाँ पे ब्लू बटन में आ जाएगा और इजीली तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप फिल करके कम्प्लीटली ऐप की इंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। आई होप कि आपको कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप समझ में आया हुआ है किस प्रकार से आप अपने ऐप की इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं ट्विटर एडवर्टाइजिंग में। तो आई होप कि आप जरूर से प्रैक्टिकली करके देखोगे। विश यू द बेस्ट, थैंक यू सो मच।